हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी किटी वाडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है मेरे दो ब्यूटीफुल से प्लांट और दोनों ही बेस्ट प्लांट है समर के लिए। सबसे पहले हमारा है सदाबहार, जो नाम से ही जाना जाता है सदाबहार है, सच में सदाबहार है। सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो हमेशा फ्लावरिंग करता है। बगल में हमारा रखा है एक और प्लांट जिसे बोलते हैं डिजर्ट रोज़, और इसका नाम हम जानते हैं अडेनियम। ठीक है, अडेनियम भी पक्का पौधा है, परमानेंट प्लांट है, तो ज़रूर गार्डन में ऐड कीजिए। कैरोटिप्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ख़ास टॉपिक पर है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती ही रहती है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने किसी भी प्लांट में पोटाश कैसे दोगे। देखिए, पोटाश एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लावर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की, और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होम मेड नेचुरल पोटाश कैसे बनाएंगे, उसके लिए दो ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। तो पोटाश बनाने के लिए आप बनाना पिल का भी यूज़ कर सकते हो और पोटैटोस का भी यूज़ कर सकते हो। तो पोटैटोस में और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे गार्डन के लिए, हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पोटैटोस में भी मिल जाती हैं। तो बिल्कुल जो हमारा वेस्ट होता है उसी से मैं आज आपको नेचुरल पोटैश बनाना बताऊंगी। तो आपको यहाँ टेरेस पर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, ये हमारा बनाना पिल है जिसको मैं ड्राई फॉर्म में, मतलब कि उसको सुखा कर रख लेती हूँ। बनाना खाते हैं बच्चे, उसके बाद सुखा कर रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, इसका लिड निकालते ही, खोलते ही इतनी भीनी भीनी सी खट्टी सी स्मेल आ रही है। तो खट्टी स्मेल क्यों आ रही है, तो यहाँ पर हमारे हैं, इसमें मेरे पोटैटोस के छिलके हैं जिनको मैंने 3 से 4 दिन पहले वाटर में सोक करके रख दिया था। ठीक है, वाटर में सोक करके मैंने इसको रख दिया था। तो आप देख रहे हो कि इसका वाटर जो है वो बिल्कुल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी, तो ये है हमारा पोटैटोस का छिलका वेस्ट, जो हम आलू छीलते हैं उसके बाद का जो पिल निकलता है उसका छिलका, उसे हम ऐसे फेंक देते हैं। आप चाहो तो इसे कंपोस्ट में भी डाल सकते हो, बट मैंने इसको वाटर में सोक करके रखा है। तो बहुत अच्छी सी खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही है। तो प्लांट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। तो पोटास तो है ही इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लिक्विड फॉर्म में इसको रखिए और अच्छे से मिलाइए, इसको अच्छे से मिलाइए, और आप 15 दिन में 2 बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट के ऊपर। तो आप इसे मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको छान कर यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर रेशियो जो रहेगा फ्रेंड्स, 5:1 का रहेगा, मतलब कि आपने 5 मग ले लेने हैं पानी और 1 मग ले लेना है आपने ये वाला हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। ठीक है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नेचुरल है, होममेड है। तो अगर ये हल्का सा या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो आपके प्लांट पर कोई नुकसान नहीं करने वाला, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं ऐड की है। नेचुरल चीज़ों का यही फ़ायदा होता है कि अगर ज़्यादा भी हो गए तो नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं तो अंदाजे से ही करती हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, यहाँ पर रखी है मेरी बकेट, उसमें मैंने वाटर भर लिया है, और हम डाल देते हैं इसमें अपना, ये देखिए पोटास वाला अपना वाटर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, और अपने जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो वाटरिंग करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा से बता देती हूँ। जिस पॉट की मिट्टी आपको लगे भैया अच्छे से सूख गई है, उसी में ही आपको वाटरिंग करनी है। तो सामने आपको पॉट दिख रहा होगा, ये सूखा पड़ा है, तो हम इसी में वाटरिंग करेंगे। तो देखिए, बस जो पॉट सूखा पड़ा हो आप उसमें डाल दीजिए, और जो पॉट आपको लगता है कि भैया गीला है उसमें वाटरिंग मत कीजिए, नेक्स्ट डे कर देना, या आप शाम को कर सकते हो। तो देखिए, ये बिल्कुल सूखा पड़ा था, मैंने डाल दिया इसमें। अडेनियम हमारा गीला है, तो अडेनियम को वैसे भी रोज़ वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ देखिए, हमारा सदाबहार का जो पॉट है बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो इसमें भी हम वाटरिंग कर देते हैं। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, वाटरिंग करने का तरीका यही है, जो प्लांट सूखा पड़ा है उसमें वाटरिंग कीजिए, जो नहीं सूखा है उसमें मत कीजिए। ठीक है, तो सभी जगह मैं वाटरिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह वाटरिंग मैंने कर दी है, और आज मैं वाटरिंग, जब हम शाम को वाटरिंग कर रहे हैं आज हम, तो देखिए अंधेरा होने लगा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो बहुत अच्छा ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है आपको, ज़रूर आप इसको ऐड कीजिए अपने गार्डन में।
तो इससे बिल्कुल आपकी जो पोटास की कमी है प्लांट में वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये देखिए इस टाइप की जो बर्ड बनेगी, फ्लावर होंगे, खिलेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, बहुत हेल्प करेंगे सारी चीज़ों में। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी हमें लगा कि पानी की ज़रूरत है वहाँ हमने वाटरिंग कर दी है। और जो प्लांट अभी बच गए हैं उनमें हम मॉर्निंग में वाटरिंग कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्लावर खिल रहे हैं। तो तोरी, घिया, इन सब में मोस्टली देखा जाता है कि इनकी बर्ड खिलने के बाद गिर जाती है, तो उससे बचाने के लिए आपको कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी। तो नेचुरल तरीके से कैल्शियम कैसे बनाते हैं घर पर, उसका वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।